ECAT Mathematics F.Sc Part 2 Chapter Number 6 जो कि है Conic Section. इसमें आज हम जिन दो टॉपिक्स को डिस्कवर करेंगे उसमें पहला टॉपिक है Terms Related to Standard Hyperbola और सेकंड है Theorems on Hyperbola. अब इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जो MCQs हैं जो कि हमें Hyperbola के कंसेप्ट को समझने में हेल्प करेंगे उन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट एमसीक्यू जी इसकी स्टेटमेंट है कि द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला जिसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू वन क्या होगी. इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है. हम यहाँ पर रिवर्स इंजीनियरिंग की जो टेक्निक है उसे यूज करते हैं. हम एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू वन बाय वन गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई करती हैं इक्वेशन को या नहीं. ठीक है तो फर्स्ट को देख लेते हैं. एक्स की जगह हम जब ए सीकेंट टी लिखेंगे इसका स्क्वायर आएगा ठीक है ओवर ए स्क्वायर और इसी तरह माइनस इसी तरह यहाँ पर वाई की जगह बी टाइम्स टेंजेंट टी लिखेंगे इसका स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर. ठीक है अभी से हम सिंप्लीफाई करते हैं. देखें स्क्वायर ले लेंगे जो भी नंबर ब्रैकेट के अंदर है ए का स्क्वायर आएगा सीकेंट स्क्वायर टी आ जाएगा ठीक है ओवर ए स्क्वायर इसी तरह माइनस बी स्क्वायर आएगा सीकेंट सॉरी यहाँ पर टेंजेंट है टेंजेंट स्क्वायर टी आएगा टेन स्क्वायर टी आएगा ओवर बी स्क्वायर आ जाएगा. अब बी बी स्क्वायर से कैंसिल ए स्क्वायर से कैंसिल यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर टी माइनस टेंजेंट स्क्वायर टी आ जो कि वन के इक्वल होता है. इसका मतलब जो फर्स्ट ए जो ऑप्शन है वो दुरुस्त है. यहाँ पर हम बी को भी देख लेते हैं. देखें अगर हम एक्स की जगह यहाँ पर ए टी स्क्वायर लिखेंगे तो ये ए स्क्वायर टी पावर फोर हो जाएगी यानी हमें रिजल्ट में टी पावर फोर मिलेगा. यहाँ पर जब पुट करेंगे तो टू ए टी है तो बी तो उसे कैंसिल ही नहीं होगा और ये वन नहीं बन सकता. इसका मतलब बी ऑप्शन नहीं है ठीक है. और सी में भी इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा जो कि वन के इक्वल नहीं होता. इसलिए सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त और वो ए ऑप्शन है. हम इसे मार्क कर देंगे यही हमारा यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी. इसमें इस तरह से कि हाइपरबोला द रिलेशन बिटवीन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज यानी जब हम एसेंट्रिसिटी फाइंड कर रहे होते हैं ई ठीक है तो इसके लिए हमें सी और ए की वैल्यू चाहिए होती है ठीक है और ए की वैल्यू और बी की वैल्यू तो गिवन होती है ठीक है. लेकिन अब सी की वैल्यू हम इनमें से किस रिलेशन से फाइंड करेंगे और हमें पता है कि हाइपरबोला में जो ई है सेंट्रिसिटी है इसकी वो वन से बड़ी होती है वन से ग्रेटर होती है. मतलब यानी कि हाइपरबोला पे जितने भी पॉइंट हैं ठीक है उनका अगर फोकस से डिस्टेंस किया जाए तो वो ज़्यादा होगा बनिस्बत के अगर उसी पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस किया जाए ठीक है. तो अब इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं. देखिए मैं यहाँ पर रिवर्स इंजीनियरिंग का जो टेक्निक है उसको यूज़ करूँगा. मैं ऐसा करता हूँ ए को हम पुट कर लेते हैं चले फर्स्ट कर ले फोर और बी को थ्री और देखते हैं कि इसमें से किस रिलेशन से हमें जो वैल्यू ई की सही मिलती है वही ऑप्शन फिर हमारा ठीक होगा ठीक है. जैसे सी स्क्वायर यहाँ पर क्या आएगा अगर पहले ऑप्शन की बात की जाए तो 16 माइनस 9 16 में से माइनस कर दें 9 को तो ये आता है 7 ठीक है. अब ये सी स्क्वायर है सी कितना होगा अंडर रूट 7 होगा तो इस केस में स्क्वायर रूट 7 को आप डिवाइड कर रहे हैं 4 से. देखें स्क्वायर रूट 9 जो होता है वो 3 के इक्वल होता है ये तो उससे छोटा नंबर है. इसका मतलब नंबर न्यूमिरेटर में छोटा डिनोमिनेटर में बड़ा है इसका जवाब जो है वो 1 से लेस आएगा. इसका मतलब कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता ए नहीं हो सकता ठीक है. इसको हम एलिमिनेट कर लेते हैं इस ऑप्शन को अपने ठीक है. इसे नेक्स्ट आप ऑप्शन पे जाते हैं इसमें देख लें आप यहाँ से अगर सी की वैल्यू निकालनी है तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ऐड हो गए. मतलब ये ऑप्शन जो है अगर आप देखें तो सी से ही मैच कर रहा है सी स्क्वायर बल्कि इसमें हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं यहाँ प्लस लिख देते हैं ठीक है ताकि क्योंकि ये फिर एक ही जैसे ऑप्शन हो जाएंगे बी और सी. तो बी ऑप्शन में हम यूँ कहेंगे कि सी स्क्वायर जो है वो इक्वल है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी 9 में से 16 माइनस कर रहे हैं हम तो ये तो नेगेटिव 7 है ये तो पॉसिबल ही नहीं है ठीक है. इसका मतलब अब हमारे पास जो है वो ऑप्शन नंबर सी रह गया है. अब सी की अगर बात की जाए तो
सी में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ऐड हो रहे हैं, यानी 9 और 16 ऐड हो रहे हैं। ये ऐड होकर जो हमें आंसर देंगे ये होगा 25, ठीक है। इसको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर 25, और अगर 25 का स्क्वायर रूट लिया जाए तो आंसर आता है 5, ठीक है। अब अगर हम ई की वैल्यू देखें, सी कितना हमारे पास 5 है, और ए कितना हमारे पास, वो हमारे पास है ए की वैल्यू कितनी थी 4। तो देखें 5 ओवर 4 जो है ये आंसर 1 से ग्रेटर आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर फिर एक बेस्ट ऑप्शन होगा और हम इसे मार्क कर देंगे। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कौन सा रिलेशन हमारे पास बेस्ट रिलेशन बन रहा है, जब हम जो हमारे पास हाइपरबोला है इसकी इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी। इसकी स्टेटमेंट ये है कि इन हाइपरबोला जिसकी इक्वेशन है जी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, द एंड्स ऑफ लेटरा रेक्टा आर, इन लेटेस्ट रेक्टम के जो एंड पॉइंट्स हैं। लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं जी कि जब हम हाइपरबोला बनाते हैं, जैसे मैं यहाँ पर फर्ज करें मैं हाइपरबोला कंस्ट्रक्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि वो किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फर्ज करें ये डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, और जो इसमें फेस ओपन हुआ होगा हाइपरबोला का वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, और यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ये मतलब इसकी मैंने कुछ रफ सी फिगर्स ही बनाई ताकि आपको ये समझ आ जाए, ठीक है। अब इसमें कहा यह जा रहा है कि जो लेटेस्ट रेक्टा है, लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं ये अगर फोकस पॉइंट है तो यहाँ से एक कॉर्ड ड्रॉ की जाए जो फोकस से गुजरे और जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उसके साथ 90 का एंगल बनाए, इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम। तो इसके जो एंड पॉइंट्स हैं, जिसमें एक पॉइंट यहाँ पर आ रहा है ए, इसको बी कह देता हूँ, इसे सी और इसको डी, ये बेसिकली हमसे पूछे जा रहे हैं कि क्या होंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि जो फोकस है इस हमारे पास जो हाइपरबोला, इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर सी होगा और वाई कोऑर्डिनेट जीरो, यहाँ पर इसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव सी होगा और वाई जीरो होगा, ठीक है। ये एक चीज़ हमें यहाँ पे पता है, ये एफ वन इसे एफ टू चलें कह लेते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने एक रफली नाम दिया यहाँ पर, ठीक है। अब आप ये देखें कि हमारे पास जो ये ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे, यानी ए के जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो सी ही होगा, यहाँ भी सी होगा, और हम जानते हैं ई इक्वल टू सी ओवर ए के बराबर है, यानी अगर सी को देखा जाए तो वो ई ए के प्रोडक्ट के इक्वल लिखा जा सकता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी और डी तो एलिमिनेट ही हो जाते हैं। अब हमारे पास इन दो ऑप्शन में बात आ गई कि इन दो में से कोई एक ऑप्शन है, ठीक है। तो फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारे पास सी लिखा हुआ है, ठीक है, और अभी यहाँ पर हम ऐसा कर लेते हैं कि इसे हमने चूंकि फाइंड करना है वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, ठीक है, क्योंकि हम फिर इन दो ऑप्शन पे ज़रा अभी हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा, कन्फ्यूज हैं इस वक्त। तो चलिए हम ये जानते हैं कि ये इस हाइपरबोला का पॉइंट है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट इसका सी है, तो यहाँ पर हम सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर लिख सकते हैं, जबकि इसमें हमने वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू हम लिख देंगे 1 के, ठीक है। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखें यहाँ पर इस 1 को अगर इस साइड पे शिफ्ट किया जाए और इस टर्म को इस साइड पे, तो हमारे पास सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, जो कि इक्वल होगा वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर के, ठीक है। इसका एलसीएम ले लें तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर के। अभी हमने इससे पहले एक एमसीक्यू देखा था जिसमें सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी कि बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया है। यहाँ पे बी स्क्वायर आ जाएगा, यानी बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मजीद इसकी पावर को बढ़ा देगा, बी पावर 4 हो जाएगी। तो वाई की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो प्लस माइनस, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो बी स्क्वायर ओवर ए आ जाएगी, चूंकि ये पावर 4 बनेगी, स्क्वायर रूट 1/2 पावर होती है इसकी, स्क्वायर रह जाएगी पावर। तो ये देखें हमारे पास y की वैल्यू यहाँ पर आ रही है बी स्क्वायर ओवर ए, जो कि फिर ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ, चूंकि जब हम इसके दोनों फोसाई की बात करेंगे और फिर उनके दोनों लेटेस्ट रेक्टम, तो इन्हें लेटरा रेक्टा कहेंगे, तो उनके जॉइंट पॉइंट्स हैं वो फिर ऑप्शन बी में लिखे हुए, इसलिए हम कहेंगे हमारा यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है और हम इसे फिर मार्क कर देंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी। इसकी स्टेटमेंट इस तरह से कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद सेंटर एट एच के, यानी
एच जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट और के जो है इसका वाई कोऑर्डिनेट हो। तो देखें, हमने ये बात समझ रखी है कि अगर हम रीजन की बात करें तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर होता है प्लस सॉरी माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर होता है, ठीक है, इक्वल टू वन। ये होती है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब इसमें अगर आप ऑप्शन ए में देखें तो यहाँ प्लस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये तो इक्वेशन नहीं हो सकती, और यहाँ पर तो एच और के का यूज ही नहीं किया जा रहा, ठीक है। और फिर के हमें मतलब जो ट्रांसवर्स एक्सिस या कंजुगेट एक्सिस के हवाले से, क्योंकि हम स्टैंडर्ड बात कर रहे हैं तो वो अभी हमें इसको यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है, ये हम नहीं कर सकते ऑप्शन। तो इस ऑप्शन में अगर आप देखें तो एक्स में से यानी एक्स एक्स कोऑर्डिनेट से माइनस हो रहा है, वाई वाई से हो रहा है, और फिर होल स्क्वायर भी है, और फिर ए स्क्वायर जो है वो हमारा एक्स एक्सिस यानी ट्रांसवर्स एक्सिस वो है, कंजुगेट एक्सिस वाई एक्सिस है। तो ये ऑप्शन जो सी है बिल्कुल दुरुस्त लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे ये जो सी ऑप्शन में इक्वेशन लिखी हुई ये उस हाइपरबोला की इक्वेशन है जो के जिसका सेंटर जो है वो एच और के है। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट इस तरह से है कि द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला, इसकी इक्वेशन जो हाइपरबोला है उसकी इक्वेशन है 25 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 16 टाइम वाई स्क्वायर इक्वल टू 400 व्हिच इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट 6, इसका एक्सिस है और 2 इसका ऑर्डिनेट है इज, यानी जो कॉर्ड है उसकी इक्वेशन इन तीनों में से, या अगर ना हुई तो फिर कोई भी नहीं होगी, इन तीनों में से एक है, ठीक है, एक इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला को, लेकिन वो कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है इस पॉइंट पर, तो इसका मतलब कि ये पॉइंट जो है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे जो कॉर्ड की इक्वेशन होगी, ठीक है। तो मतलब हम वन बाय वन ये पॉइंट्स जो है इन इक्वेशन में चेक करते हैं, जैसे फर्स्ट में चेक करें अगर तो 16 टाइम्स 6 अगर हम देखें, ये हमारे पास चलें कैलकुलेटर हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, जी देख सकते हैं आप यहाँ पर 16 को अगर मल्टीप्लाई करें 6 से, ठीक है, और इसमें से माइनस कर दें 75 को 2 से 150 बनता है, ठीक है, इसमें से माइनस कर दें 150 तो ये 418 नहीं आता, इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। हम अब बी ऑप्शन की तरफ जाते हैं, 75 को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स से, एक्स है 6 से यह आ गया 450, और इसमें से माइनस कर देते हैं 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32, तो माइनस कर देते हैं 32 या आया 418, ये ट्रू है। और थर्ड में अगर आप देखें तो 25 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें 150 आ जाता है, और इसमें से माइनस कर लें 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 से, तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसका मतलब जो बी है हमारे पास ऑप्शन वो बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन है, यही हमारे पास जो है वो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है जिस जो कि इस हाइपरबोला की है कॉर्ड, और इसे बाइसेक्ट किया गया है इस पॉइंट के ऊपर जो कि इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी। इसकी स्टेटमेंट है कि एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला हुज लेटेस्ट रेक्टम इज हाफ ऑफ इट्स ट्रांसवर्स एक्सिस इज, यानी एसेंट्रिसिटी जो हाइपरबोला की हमने फाइंड करनी है जो कि ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है, जो कि हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं कि ई इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए से, ठीक है। अब हमें जो इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है वो ये कि इसके लेटेस्ट रेक्टम जो है वो इसके ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ का हाफ है, यानी लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ होती है तो हम जानते हैं कि वो 2 टाइम्स बी स्क्वायर ओवर ए होती है, ठीक है, ये हाफ है इसकी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो वो हमें पता है वो 2a के बराबर है, ठीक है, 2a के बराबर है, तो इस इंफॉर्मेशन को हम बेस बना रहे हैं, ये हमें गिवन है, ठीक है जी। तो देखें अब यहाँ पर ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये a इधर आकर इस a से मल्टीप्लाई होके इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2b स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। अब ये बात हम जानते हैं, यहाँ पर हमें c और a की वैल्यू चाहिए तो हम ये आंसर दे सकेंगे, ठीक है। हम ये बात जानते हैं कि सी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है जी, वो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, हाइपरबोला के केस में, ठीक है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह हम 2b स्क्वायर पुट कर सकते हैं, 2b स्क्वायर जो कि यहाँ पर हमें गिवन, और प्लस बी स्क्वायर, तो हमें पता ये चल रहा है कि जो सी स्क्वायर है इसकी वैल्यू आ रही है 3 times b स्क्वायर, ठीक है, 3 times b स्क्वायर, तो सी किसके इक्वल होगा, सी अगर हम अंडर रूट ले लें यहाँ प्लस माइनस साइन आएगा, अंडर रूट 3b के इक्वल आ गया, ये हमें सी की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को दर्ज कर लेते हैं प्लस माइनस अंडर रूट 3 times b। अब हमें a की वैल्यू चाहिए, ठीक है, अब हम a के लिए ये हम इसका कर लेते हैं कि हमें ये पता चला a स्क्वायर किसके बराबर है,
ये बराबर है जी 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर के, तो इसका मतलब कि इसका भी स्क्वायर रूट अगर ले लिया जाए ए का, तो ये प्लस माइनस अंडर रूट 2 टाइम्स बी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ये वैल्यूज पुट कर लेंगे, अंडर रूट 2 टाइम्स बी, ठीक है। तो देखें यहाँ से बी बी से कैंसिल, पॉजिटिव 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 होते हैं, लेकिन नेगेटिव और नेगेटिव डिवाइड होके पॉजिटिव आ जाएगा आंसर। यानी यहाँ पर हमारे पास जवाब आ रहा है स्क्वायर रूट 3/2, यानी दोनों ही नंबर्स की पावर अंडर रूट 3 से एक ही अंडर रूट पे लिख दिया 3/2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर हमारा बेस्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है।